नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। कोरोना काल के बाद सरकार अब शिक्षा को लेकर बड़ी चिंतित है। जहां एक और स्कूल कॉलेज बंद है तो वहीं सरकार ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। और सरकार ने एक बड़ा बजट पास करते हुए तकरीबन बात की जाए सर्व संसाधन युक्त 9,200 विद्यालयों के लिए तकरीबन 6,952 करोड़ रुपए की सहमति इस परिषद की बैठक जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें सहमति दी है। साथ ही जिस तरह से हम और आप बात करें किस तरह से कोरोना काल के चलते स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो वहीं सरकार ने सरकारी विद्यालयों को लेकर एक बड़ी रुचि ली है और तमाम विद्यालयों को लेकर एक बड़ी राशि आज पास की गई है। ऐसे माना जा रहा है कि जिस तरह की बातें और जिस तरह की खबरें आ रही थी कि सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार ध्यान नहीं दे रही, लेकिन सरकार ने सर्वयुक्त और हाईटेक हो ये तमाम विद्यालय इसे लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन तैयार की है और एक बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट आप देखें किस तरह से सरकार ने जो है आज बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों के लिए 6,952 करोड़ रुपए की सहमति दी। इन विद्यालयों का उद्देश्य ये है कि लगभग प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता का विद्यालय प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो, ताकि शैक्षणिक वातावरण में सुधार कर विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सके। प्रदेश में कुल 9,200 विद्यालयों को सर्व संसाधन युक्त विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है, जिसमें से प्रथम चरण में 254 स्कूल शिक्षा विभाग एवं 96 आदिम जाति कल्याण विभाग के विद्यालयों को 3 वर्ष में तथा शेष 8,850 विद्यालयों को आगामी वर्षों में सभी 9,200 विद्यालयों को सर्व संसाधन सम्पन्न बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिला स्तर पर 52 विद्यालय जिला मुख्यालय वाले विकास खंड को छोड़कर अन्य सभी विकास खंड स्तर पर 261 विद्यालय तथा बड़े नगरों एवं सुविधा विहीन स्थानों में 37 विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक संचालित होने वाले इन विद्यालयों में सर्व सुविधा युक्त अधोसंरचना, गुणवत्ता युक्त स्मार्ट कक्षाएं, सभी प्रकार की प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कला, संगीत, खेलकूद एवं परिवहन सुविधा इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। तो यह था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।